बहुत ही बेहतरीन पोस्ट की है अरुणिता ने पवनदीप के साथ। एक बात ज़रूर कहूँगा कि मैं मानता हूँ पवनदीप और अरुणिता के फैंस एक चीज़ को बहुत मिस कर रहे हैं। लगभग 6 महीने पहले इनका कोई सॉन्ग आया था, उसके बाद कोई भी सॉन्ग नहीं आया और लोग चाहते हैं कि डुएट आए। क्योंकि देखो कॉन्सर्ट्स तो इनके कंटिन्यू होते रहेंगे नो डाउट, बट सॉन्ग्स भी तो आने चाहिए। बहुत से लोग यही अपील कर रहे हैं कि भाई आने चाहिए। और पवनदीप स्पेशली अरुणिता ने जो पोस्ट की है अभी पवनदीप को लेके, वो कल या परसों करी थी। मैं थोड़ा सा बिजी था बिकॉज आई यू नो गाइड्स के वो दूसरा भी चैनल है और आप वो भी चैनल फॉलो कर लेना मूवी रिव्यूज़ आपको चाहिए तो। सो डोंट वरी, वीडियोज आते रहेंगे। इट वॉज लाइक यार मैं 2 दिन सच में बिजी था और हम बार 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 इसके बारे में भी जिक्र करेंगे। देखो भाई मुझे भी पर्सनली आप लोग अगर पूछोगे तो वो चॉकलेट पाए वालों का वो डिसीजन सच बोलूँ तो पसंद नहीं आया कि साइली को भेजा उन्होंने। पर क्या है मालूम है, ये एक आखिर आप ये नहीं कह सकते कि क्यों भेजा। पसंद ना आना डिसीजन अलग बात है, लेकिन आप उसको काउंटर नहीं कर सकते कि भाई साइली को क्यों भेजा पवनदीप के साथ क्यों। क्योंकि ये उनका एक, मतलब आप बोलते हो ना कि एक कंपनी है मान के चलो या कुछ है, तो आप कंपनी वालों को थोड़ी बोल सकते हो भाई ये नहीं करो वो करो, इस स्टाफ को भेजो उस स्टाफ को भेजो। अभी पवनदीप और वहाँ पे उनके कॉन्ट्रैक्ट में है, वो साइली भी है। अब हालांकि सब लोग तो चाहिए नहीं थे, बट हम नहीं बोल सकते ना किसी कंपनी को कि तुम इसको ना रखो उसको रखो, वो वाला एंगल। अरुणिता भी कुछ ना कुछ अलग जगह पे जाएगी, उसकी भी अलग कॉन्सर्ट्स होंगी, वो एक है। अब क्या कर सकते हम, उसको नहीं कुछ कर सकते अंटिल एंड अनलेस वो ये छोड़ नहीं देते। बट हम ये भी नहीं बोल सकते ना कि तुम छोड़ दो यार, तुम अपना अपना कुछ करो, ये भी तो गलत है। क्योंकि क्या है, कभी कभी मैंने बहुत से ऐसे आर्टिस्ट देखे हैं जिन लोगों ने एटीट्यूड में कुछ बड़ी चीज़ छोड़ दी और बाद में उनको लगा तो था कि भाई उनको सपोर्ट मिलेगा, बाद में मिला ही नहीं। तो कुछ मामलों में पवनदीप अरुणिता को मैं क्लेवर मानता हूँ भाई, उनको भले ठीक है, मैं एक मामले में मानता हूँ कि उन्होंने ऑक्टोपस वाला एंगल नहीं करना था, छोड़ना था, वो एक बहुत रीच था भाई जिस तरीके से वो सॉन्ग्स थे याद करो क्या, और तगड़ा प्रमोशन भी करते थे, मैं भी मानता हूँ। बट जो हुआ ना उसको लेके हम नहीं बात कर सकती वो क्यों हुआ, क्योंकि वो चेंज नहीं होगा। अब जो है वो देखना चाहिए। अभी ये लोग एक जगह पे अब जज बन रहे, बहुत अच्छी बात है, बट मैं इनके सॉन्ग्स को मिस कर रहा हूँ। एक बड़ा सॉन्ग आना चाहिए। चॉकलेट पाए वाले अगर इतना ही इनको कॉन्सर्ट्स पे भेजना है भेजो भाई, बट एक सॉन्ग तो लाओ यार, बहुत दिन हो गए। मैं भी एग्री करता हूँ ये चीज़ कि पवनदीप अरुणिता का छः महीने से उनके दोनों का मिला के बोल रहा हूँ मैं डुएट, आई डोंट थिंक कि कोई आया है सॉन्ग। करेक्ट कर देना मुझे अगर मैं कुछ गलती से गलत बोला तो, क्योंकि मैंने फॉलो जितने भी किए हैं सॉन्ग्स अभी 6 महीने सच में हो ही गए, सो वी आर मिसिंग देम यार, आई मीन एज अ कपल जो एक सॉन्ग है हम उसको मिस कर रहे हैं। एक खुशी की बात है कि अरुणिता ने डायरेक्टली वो जो पोस्ट डाली ना उससे तो जिक्र कर दिया भाई अपने प्यार का, ये प्यार का जिक्र है समझे। ये जो हेटर लोग थे ना बस खामोश कर दिया उसने, मुझे तो लगता है वो जानबूझ के डाले हुए पिक्स है। बाय द वे 15 अगस्त को इनको 3 साल हो गए इंडियन आइडल का किताब जीत के और रनर अप बन के बोलो या जीत के बोलो, मज़ा आ गया देख के। 15 अगस्त ही हुआ था आई थिंक, 3 साल पहले की बात है। आज 16 है बाय द वे, मैंने बोला ना मैं बिज़ी था कल और परसों, बट आएंगे वीडियोस टेंशन ना लो। बट यार वीडियो को शेयर किया करो यार, मैं आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू हैंडल बोथ चैनल्स और कल परसों मैं बहुत बिजी था, लेकिन ये बात सच है। सो प्लीज़ यार शेयर किया करो वीडियो। जय हिंद दोस्तों, एंड हम हमारा सपोर्ट करते रहेंगे कंटिन्यू उनको, टेंशन ना लो। वीडियो को शेयर करो, लेकिन आपका क्या कहना है इसके बारे में ज़रूर बताइए। और मैंने सुना यार ये साइली पवन का और एक कोई कॉन्सर्ट होने वाला है, मैं कंफर्म करके बता देता हूँ।